subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूं। मैं आदित्य टंडन आपके सामने। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 यूनिट 1 की। यह 8वां लेक्चर है, अंतिम लेक्चर होगा यूनिट 8 का, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होती हैं, तो एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक हम एक उदाहरण के तौर पे कि अगर हमारे पास दो एक टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, कि ऐसा इंस्ट्रक्शन पे दो ऑपरेंड का इस्तेमाल हो रहा है, एक्स और वाई, उनके बीच में एडिशन हो रहा है। एक्स एक रजिस्टर में है, वाई लेकिन मेमोरी के अंदर है। अब कैसी बातचीत कराया जाए? अगर दोनों रजिस्टर होते तो बहुत ही आसान होता, या दोनों मेमोरी में होते तो भी आसान होता, लेकिन अब इनकी बातचीत कैसे कराई जाए? तो हमें कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे, कुछ पॉसिबल तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो ऑपरेंट्स कैसे रेफ़र किए जाए। ठीक है, उन रेफ़र करने का या उनकी एड्रेसिंग देखने का जो मोड है, उसे हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द डेटा, कि वो डेटा जो एक्स मेरा रजिस्टर में पड़ा हुआ है और वाई मेरा मेमोरी में है, तो उन दोनों के रेफरेंसिंग, उन दोनों के एड्रेसिंग देखने का जो तरीका है, उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। टाइप्स क्या हैं? इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इंडेक्स मोड, रिलेटिव, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। तीन सब टाइप्स के ऊपर एक एक करके हम इसको गो थ्रू करना शुरू करेंगे, तो एक बार हम समझ भी जाएंगे। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड बताया जाता है कि अभी हम डायरेक्ट ऑपरेंड ही दे रहे हैं कि ये वैल्यू है आपके सामने, आप इस वैल्यू का इस्तेमाल करें। और ऑपरेंड मीन्स वैल्यू, तो एक आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उस तरफ ऑपरेंड हो गया एंड ऑपकोड एंड ऑपरेंड दोनों तरफ आ गया आपके, इसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सपोज करें ऐड 5, तो 5 को ऐड करेगा किसके कंटेंट्स में, वापस डाल देगा ऐड करके एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देगा। एक्यूमुलेटर आपको बता दें जनरल पर्पज रजिस्टर है, डेटा स्टोर करने के लिए भी काम आता है, ठीक है, तो 5 इज द ऑपरेंड हियर। तो ऐसी एड्रेसिंग मोड जिसके अंदर हम डायरेक्ट उसको वैल्यू डायरेक्ट हम दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। कोई मेमोरी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, फास्ट है, लिमिटेड रेंज है इसकी, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको समझ लिया, इसको थोड़ा एक बार स्लाइड को आप पॉज करके देख लें अपने एक हिसाब से, आपको समझ आया कि नहीं आया। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेस फील्ड की अगर हम जब बात करते हैं, एड्रेस फील्ड जो है हमारा, वो अब क्या होगा, अब एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, हम डायरेक्ट उस ऑपरेंड जहाँ पर मेमोरी में है उसका पता हम दे रहे हैं, कि आप उस पते पे जाएं, वहाँ पे ऑपरेंड है, वहाँ पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें। तो इफेक्टिव एड्रेस हम कैलकुलेट करते हैं इस केस में, तो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव एड्रेस, इज टर्म्ड एज द एड्रेस ऑफ द फील्ड, ठीक है, एड्रेस फील्ड जो जहाँ पे वो आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो ऐड ए, तो ए जो हमारा एक जगह है, एक कोई रजिस्टर भी हो सकता है, इस केस में हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है ए, उसके कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में ऐड करके देन सेव करो। तो ठीक इसी तरीके से एड्रेस ए हो गया, ऑपकोड आ गया हमारे सामने, ठीक है, तो ऑपरेंड उठाएगा इस एड्रेस से, मेमोरी से, और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो लुक्स इन द एक लुक फॉर द मेमोरी एड्रेस ए फॉर ऑपरेंड, सिंगल मेमोरी रेफरेंस है, कोई एडिशनल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ईए के लिए, और लिमिटेड एड्रेस स्पेस है। सबसे महत्वपूर्ण बात है लिमिटेड एड्रेस स्पेस है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की अगर मैं आपसे बात बताऊं, तो मेमोरी सेल पॉइंटेड टू बाय द एड्रेस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ, मतलब और पॉइंटेड टू द ऑपरेंड मींस, सपोज करें कि मुझे अपने फ्रेंड के मुझे मेरा दोस्त है सपोज करें राम, और मुझे शाम से भी कुछ चाहिए, तो मैंने क्या किया कि भाई राम शाम के पास एक मेरी कॉपी पड़ी है, वो आप ला के दे दें। तो मैंने एक एड्रेस पे गया, उस एड्रेस से मैं दूसरे एड्रेस पे गया, ठीक है,
दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। मैं डायरेक्ट श्याम के पास भी जा सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट ना जाकर मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट में राम को इंक्लूड करके एक तीसरे रेफरेंस को, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल को मैंने इंक्लूड किया। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक जो एड्रेस होगा, एड्रेसिंग जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब उस ए पे वो जाएगा, उस ए के ऊपर, उस वहाँ पर उस एड्रेस के ऊपर जाएगा, उस एड्रेस पे एक मेमोरी लोकेशन और पड़ा होगा। जैसे क्लूज हम ढूंढते हैं, ठीक है, अगर आप लोग कोई गेम्स खेलते हैं जैसे ट्रेजर हंट टाइप की गेम्स खेलते हैं, उसमें अगर आप एक जगह जाते हैं वहाँ आपको क्लू मिलता है, उस क्लू से आप नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दी, सपोज कर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, एडिशन के लिए ऑपरेंड कहाँ मिलेगा, तो वो कहते हैं ऑपरेंड यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे उसका पता मिलेगा, वहाँ पे जाइए पता लीजिए और पते के ऊपर जाइए, तो इनडायरेक्टली आप उसको फॉरवर्ड करा रहे हैं उसको। तो लुक इन ए, ए के ऊपर उसका ए का पता मिलेगा कि जो ऑपरेंड कहाँ पड़ा उसका पता मिलेगा, तो फाइंड एड्रेस एंड लुक फॉर द ऑपरेंड, फिर उसके बाद आप उसको परफॉर्म कर ले। तो ये एक एग्जांपल आपका ऐड ए इस तरह से होगा, तो हम इसको ब्रैकेट्स में करके लिखते हैं ताकि ये हमारा बाकी मोड से अलग है। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की सबसे बात बढ़िया बात है कि लार्ज एड्रेस स्पेस है, पहली बात, और टू टाइम्स एन, एन इज द वर्ड लेंथ, तो जितनी ज़्यादा वर्ड लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसके दुगना आपको एड्रेस स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, और मे बी नेस्टेड मल्टी लेवल कैस्केडेड कैसे भी हो सकता है, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई करें कि भाई ए के वहाँ गया, वहाँ पे एक एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे गया दूसरा एड्रेस मिला, दूसरे पे तीसरे का एड्रेस मिला, तीसरे पे जाके ऑपरेंड मिलेगा। तो यहाँ पर तीन ब्रैकेट्स के पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स तीन हैं, यहाँ पर तीन इधर तीन इधर, तो थ्री पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गया, तो इसका मतलब दो रेफरेंसेस के बाद वो तीसरे पर जाएगा। तो आप इसका डायग्राम खुद ड्रॉ करके देखिए, मैं आपको भी सिंपल डायग्राम जो होगा वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और मल्टीपल मेमोरी एक्सेसेस होंगी फाइंड ऑपरेंड, तो थोड़ा स्लोअर हो सकता है क्योंकि आप जितने रेफरेंसेस डाल रहे हैं तो जंप कर करके वो जाएगा, तो इस तरीके से जा रहा है। तो एड्रेस ए जो है अब आपका ऑपरेंड पॉइंटर टू ऑपरेंड और ऑपरेंड के ऊपर जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट वे ऑफ हो गया, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ऑपरेंड जो होगा वो रजिस्टर में रखा जा रहा है, तभी इसका नाम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रखा गया, तो हम डायरेक्ट उसको जो इफेक्टिव एड्रेस किसका दे रहे हैं, उस रजिस्टर का एड्रेस दे रहे हैं कि वहाँ पर ऑपरेंड पड़ा है। अब मेमोरी लोकेशन नहीं है, अब मेरे पास क्या है, एक रजिस्टर है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो सकते हैं, वेरी स्मॉल एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड, तो इंस्ट्रक्शन आपके काफ़ी शॉर्ट हो गए, और जितने शॉर्ट इंस्ट्रक्शन उतने ही ज़्यादा फेच फास्टर होगा, उतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा फास्ट तरीके से होगा। नो मेमोरी एक्सेस, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया, और वेरी वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस, तो काफ़ी कम इंस्ट्रक्शन के अंदर, छोटे इंस्ट्रक्शन में हमारा महत्वपूर्ण काम हो गया। तो मल्टीपल रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस को हेल्प कर सकते हैं, बट और रिक्वायर्स गुड असेंबली प्रोग्रामिंग नॉलेज, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आप ज़्यादा रजिस्टर्स रख रहे हैं तो ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए रख रहे हैं, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपको आने चाहिए। तो एक रजिस्टर आर है, तो आर पे जाके ऑपरेंड पड़ा हुआ और उसके पास बात बन जाएगी आपकी। रजिस्टर इनडायरेक्ट, सेम चीज़, जिस रजिस्टर पे गया उसने दूसरे रजिस्टर का एड्रेस दे दिया, कंटेंट्स ऑफ दिस, कोई उसके दूसरे मेमोरी स्पेस का एड्रेस दे दिया कि आर पे कोई मेमोरी की लोकेशन पड़ी हुई है, उस मेमोरी लोकेशन से जाके लेगा, सेम चीज़ है, लार्ज स्पेस आएगा, सेम इनडायरेक्ट में जो होता है आपका, तो लेस मेमोरी एक्सेस देन इनडायरेक्ट एड्रेस है क्योंकि आप रजिस्टर के थ्रू जा रहा है। तो आपका रजिस्टर आर है, रजिस्टर से क्या पॉइंटर टू ऑपरेट पड़ा हुआ है, फिर मेमोरी से जाके लेगा अंत में, तो दिस इज कॉल्ड इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इसको डायग्राम को ध्यान से देखें, ठीक है। अब इंडेक्स एड्रेसिंग की बात करें, तो इफेक्टिव एड्रेस x प्लस r, तो एक इंडेक्स जोड़ा x यहाँ पर, तो x इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ऑफसेट r होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, तो कि भाई सपोज करें कि भाई अगर आपसे कोई रास्ता कोई पूछता कि भाई उस फलाने मिस्टर जो शर्मा है उनका घर किधर है, तो बोले कि इस घर से पाँचवा घर है, तो इस घर से मतलब ये आपका होगा कांस्टेंट वैल्यू कि यहाँ से वो ऑफसेट पांच ऑफसेट और पांच घर छोड़कर है यहाँ से,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग। तो ऑफसेट आपका कुछ इस तरह से होता है कि भाई एड 20 R1, मतलब R1 से 20 लोकेशंस बाद, R1 से 20 लोकेशंस के बाद आपको वहां पर वो ऑपरेंड मिलेगा, और अब वो वहां से उठाइए, R2 से उठाइए और ऐड करिए। ठीक है, सिर्फ R1 से 1000 लोकेशन के, आफ्टर 1000 लोकेशंस, ठीक है, उसके आगे आपको ऑपरेंड मिलेगा। तो ये हो गया आपका इंडेक्स एड्रेसिंग। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, तो पॉइंटर टू ऑपरेंड द कॉन्स्टेंट वैल्यू और पॉइंटर टू ऑपरेंड दोनों जुड़ रहे हैं और वो हमारे ऑपरेंड तक लेके जा रहे हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग का एक तरीका है, इसको वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग भी कह सकते हैं आप। पर इसमें प्रोग्राम काउंटर की बात आ रही है इसके अंदर, तो हम अब यहाँ पे हम रजिस्टर ना देखें, हम उसको कह रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर पे जो एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस जो पड़ा हुआ उसके ऊपर जाके करो। द गेट ऑपरेंड फ्रॉम एक्स बाइट्स अवे फ्रॉम द करंट लोकेशन बाय अपॉइंटेड टू बाय पीसी, कि इस समय प्रोग्राम काउंटर ने जिस लोकेशन को पॉइंट कर रखा है वहाँ से x bytes या उतने आगे आप, उतने steps आप आगे चले जाएं, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो relative हो गया, तो relative किसकी बात आ रही है, relative term हमेशा याद रखिए दोस्तों, relative का मतलब computer organization के लिए program counter ही आएगा। तो locality of reference और cache usage की बात आती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका auto increment, बहुत सिंपल है कि भाई कंटेंट ऑफ रजिस्टर में आप इसमें एडिशन कर दें, तो एक्सेस जैसी हो गया तो नेक्स्ट आइटम को तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे, तो RI हो गया, ठीक है, R2 प्लस, ठीक है, तो जैसे R2 को एक्सेस किया अब नेक्स्ट पे जाके आ पड़े तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, नेक्स्ट आइटम को पकड़े, जस्ट इस समय जहाँ पर R2 है उसके नेक्स्ट आइटम को ले, ऐसे ऑटो डिक्रीमेंट तो उससे पहले वाले को ले, ठीक, RI आपका माइनस पहले साइन आ जाएगा यहाँ पर। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, आ सकता है एक्सप्लेन एड्रेसिंग मोड। जितने हमने एड्रेसिंग मोड्स अभी तक हमने पढ़े हैं, पहला हमने पढ़ा इमीडिएट, ठीक है, फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट, इमीडिएट, मैं चलो ऐसे काउंट करता हूँ, इमीडिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट इंडेक्स्ड, फिर रिलेटिव, राइट, इंडेक्स के बाद रिलेटिव आ गया, रिलेटिव के बाद ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट, ठीक है। तो आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एड्रेसिंग मोड्स आपको आने चाहिए। पर अगर आप इस वीडियो के शुरुआत में जाएं तो मैंने ऑलरेडी वो मेंशन कर रखे हैं, तो इनको आप बता सकते हैं कि भाई डिफाइन द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन एड्रेसिंग मोड, तो इनका रोल क्या है और किस में रोल आता है। तो प्रोग्राम काउंटर का रोल सबसे महत्वपूर्ण जो इस्तेमाल इसका होता है वो कहाँ पर आता है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में ही आता है। तो हाउ इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स, कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये, आपको पता होना चाहिए। तो अब हम ये लास्ट लेक्चर नंबर 8 यूनिट 1 का हम ओवर हो गया है, समाप्ति पे आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।